हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों को लेकर आया गया है। दोस्तों, इसमें राजस्थान जीके के सभी प्रश्नों को हल कराया जाएगा, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप सभी एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। दोस्तों, यह क्लास आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, इसलिए दोस्तों आप इस क्लास से जुड़ें और अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को एक मजबूत दिशा में ले जाएं। आइए दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, ये राजस्थान जीके के इसमें पूछे गए प्रश्न बहुत ही बढ़िया लेवल के पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, इसमें आए हुए राजस्थान जीके का पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? ऑप्शन ए, 50 सेंटीमीटर रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को दो बराबर भागों में बांटती है। जैन तीर्थस्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तेजपाल, वास्तुपाल, देपाक या मंडन? ऑप्शन सी, देपाक। पढ़ कुड़ बाँचे हैं, भोपा, कालबेलिया, लंगा या मांगड़ियार? ऑप्शन ए, भोपा। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? जैसलमेर, पाली, जालौर या बाड़मेर? ऑप्शन बी, पाली में। पालहण कबीरी खयाति किण रचना रे पाण है? नेमिनाथ बारहमासा, जम्बू स्वामी रास, जीव दया रास या चंदन वाला रास? ऑप्शन ए, नेमिनाथ बारहमासा। कौपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है, वह कौन सा जिला है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? दोस्तों, इस प्रश्न को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपनी फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया। राजस्थान की स्टैटिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार कौन से जिलों में सर्वाधिक विकास खंड हैं? बाड़मेर और जयपुर में, जयपुर और उदयपुर में, बाड़मेर और उदयपुर में या जयपुर और जोधपुर में? ऑप्शन सी, बाड़मेर और उदयपुर में। लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है?
नवरस बेली, रुकमणी मंगल, किशन ब्यावलो या डोला मारूरा दुहा। ऑप्शन डी डोला मारूरा दुहा। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? मल्लीनाथ जी, तेजा जी, कल्ला जी या हड़बू जी। ऑप्शन सी कल्ला जी। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? भरतपुर, एरिनपुरा, नसीराबाद या कोटा। ऑप्शन डी कोटा। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा, किशनगढ़, देवगढ़ या अलवर शैली से। ऑप्शन ए नाथद्वारा शैली से। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है मई से सितंबर, जून से अक्टूबर, जून से सितंबर या जुलाई से अक्टूबर। ऑप्शन सी जून से सितंबर। राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठे रा है? आसपुर, डूंगरपुर, देवली उदयपुर, धोबन टोंक या गागरौन झालावाड़। ऑप्शन सी धोबन टोंक। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बाल नृत्य, गुड़ला नृत्य, गैर नृत्य या गबरी नृत्य। ऑप्शन ए बाल नृत्य। गोडवार बेसिन राजस्थान के किस बृहत भूआकृतिक विभाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदान, थार या पश्चिमी मरुस्थल, अड़ौती पठार या उत्तरी अरावली। ऑप्शन बी थार या पश्चिमी मरुस्थल। जानकी लाल भांड किस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? स्वांग, फड़, तमाशा या ख्याल। ऑप्शन ए स्वांग। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल न्यूनतम संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है? चूरू, नागौर, जैसलमेर या जोधपुर। ऑप्शन डी जोधपुर। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोतीलाल तेजावत, राव गोपाल सिंह, गोविंद गुरु या रूपा जी। ऑप्शन सी गोविंद गुरु।
भीलवाड़ा खेतर री बोली है, हाड़ौती, पहाड़ी, मेवाड़ी या मालवी। ऑप्शन सी मेवाड़ी। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? आबू दिलवाड़ा और कोटा, आबू कोटा, आबू और झालावाड़, आबू दिलवाड़ा और अजमेर। ऑप्शन डी आबू दिलवाड़ा और अजमेर। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? शेर, तारागढ़, अचलगढ़ या रघुनाथगढ़। ऑप्शन ए शेर। अमर सागर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर। ऑप्शन बी जैसलमेर। धौली दोब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण या संत लालदास। ऑप्शन डी संत लालदास। आहाड़ के वराहे मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरवाहन, कुमार तृतीय, अलट या कालबोज। ऑप्शन सी अलट। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है? बारा, झालावाड़, कोटा या बूंदी। ऑप्शन सी कोटा। तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक, गर्दन, कान या सिर। ऑप्शन बी गर्दन। सिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, गरासिया, मीणा या कतौड़ी। ऑप्शन ए सहरिया। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कुण सो मानियो जावे, कनक सुंदर, आवे पटकी, हु गौरी किण पीवरी या दौरारी दौरी। ऑप्शन ए कनक सुंदर। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? बी एन मिश्र, बी वी लाल, आर सी अग्रवाल या अमलानंद घोष। ऑप्शन ए वी एन मिश्र। जयपुर फुट के जनक कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर बी सी राय, डॉक्टर अशोक पनगड़िया या डॉक्टर एस आर धारकर। ऑप्शन ए
डॉक्टर पी के सेठी, बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम या सादेवाला? ऑप्शन डी सादेवाला। बांकड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? 15.2%, 17.5%, 22.2% या 23.3%? ऑप्शन ए 15.2%। रानी लक्ष्मी कुमारी चूणावतरी रचना नी है, मांझल रात, कैरे चकवा बात, उकारो दोरा दोसा या धरती रो दीणो? ऑप्शन डी धरती रो दीणो। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? जयपुर, डबोक, किशनगढ़ या जोधपुर? ऑप्शन डी जोधपुर। गंगानगर हनुमानगढ़ केतर री लोक बोली रो नाम है? बढ़िया बटी, बागड़ी, सेखावाटी या गोड़वाड़ी? ऑप्शन बी बागड़ी। जालौर की चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कानड़ देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह या अमीर देव? ऑप्शन बी कीर्तिपाल। BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है? सादेवाला, भाग्यम, चीनेवाला या डांडेवाला? ऑप्शन ए सादेवाला। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है? भरतपुर, कोटा, अलवर या दौसा? ऑप्शन ए भरतपुर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? कोटा, जोधपुर, पाली या उदयपुर? ऑप्शन बी जोधपुर। उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, अंगूर की खेती, बीटी कल्चर, रेशम कीट पालन, सेरी कल्चर या बागवानी हॉर्टिकल्चर? ऑप्शन सी रेशम कीट पालन, सेरी कल्चर। बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? 15, 14, 13 या 17? ऑप्शन ए 15।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या राज्य मंत्रिमंडल द्वारा? ऑप्शन सी, राज्यपाल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ उनके स्थित जिले। दियावलाव झील बांसवाड़ा में, बालसमंद झील जोधपुर में, दूधतलाई झील उदयपुर में, तालाब ए शाही झील बूंदी में। ऑप्शन ए, तालाब ए शाही झील बूंदी में। मरुविधि रत्नाकर है राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी का एक ई न्यूज़लेटर, राजस्थान में दिए जाने वाले एक साहित्यिक पुरस्कार का नाम, राजस्थान विधानसभा का एक ई जर्नल या बाड़मेर के एक तेल क्षेत्र का नाम। ऑप्शन ए, राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी का एक न्यूज लेटर। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है कोटा में, माउंट आबू में, जयपुर में या जोधपुर में? ऑप्शन डी, जोधपुर में। कौन से लोक देवता बूडोल से थे? रामदेव जी, अड़वो जी, दन्ना जी या मल्लीनाथ जी? ऑप्शन बी, अड़वो जी। निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यह जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में। ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड RSMML के स्टैटिकल बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना कहाँ की गई है? उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में? ऑप्शन डी, जोधपुर में। दोस्तों, ये सभी रीट भर्ती परीक्षा के संस्कृत पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों का इस क्लास में समावेश किया गया है। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके आगामी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एमके स्टडी यूट्यूब चैनल पर शुरू की गई है। इसलिए दोस्तों, आप एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और रीट भर्ती परीक्षा के और भी प्रश्न पत्रों में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों को आगे हल करेंगे।